तो अगर आपके मोबाइल का कैमरा ऑलरेडी ख़राब हो चुका है क्योंकि आपने उसको अपने बाइक पे मोबाइल फ़ोन होल्डर पे लगाया था, तो अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, मतलब अगर हिंदी में बोले तो आपकी लग गई है वाट, लेकिन कोई नहीं, अब हम आपकी लगी है दूसरों के नहीं लगने देंगे। सो आज की वीडियो है मेरे उन सब भाइयों के लिए जो करते हैं बेसिकली डिलीवरी का काम या करते हैं ऊबर मोटो में काम, जैसे आप स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, जैप्टो हो गया, जोमेटो हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे बेसिकली पोर्टल्स हैं जिसमें काम करते हैं लोग जो बेसिकली मोटरसाइकिल राइड करते हैं और डिलीवरीज करते हैं, या मोटो ऊबर मोटो करते हैं, लोगों को बाइक में बैठा के डिलीवर कह रहा हूँ बेसिकली ड्रॉप करते हैं। सो उन सब के लिए आज का वीडियो होने वाला है क्योंकि उनके बचने वाले हैं हज़ारों से लाखों रुपए, पैसा ही पैसा हो गया। क्योंकि एक प्रॉब्लम है जो उनके साथ हो भी सकता है कि हो चुकी हो या आगे होने वाली हो। सो होने वाली है तो बची जाएगी, और हो चुकी है तो आपको एग्जैक्ट रीज़न पता चल जाएगा। सो गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस इज शरद और आप देख रहे हैं माई लाइफ आई ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ एक और चीज़, आप अपने मोबाइल का जो आपका बेसिकली मॉडल है वो कमेंट में जरूर डाल के जाना कि मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि आपके मोबाइल का कैमरा एक्चुअली में ख़राब हो भी सकता है कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। सो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी बाइक पे लगाते हैं अपना मोबाइल, एक मोबाइल फोन होल्डर पे, लेकिन हमें लगता है कि यार क्यों उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करने, अगर एक टूटेगा तो दूसरा ले लेंगे करके हम सस्ते सस्ते खरीद लेते हैं। लेकिन मेरे भाई वो सस्ते के चक्कर में ना वो महंगा पड़ जाता है। वो महंगा कैसे पड़ता है, क्योंकि आपके जो मोबाइल फ़ोन के जो कैमरा है ना उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि क्या होता है मोबाइल फ़ोन्स को बेटर बनाने के लिए, DSLR लेवल का बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। तो एक होता है OIS, तो उसमें क्या होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि अगर आप फ़ोटो खींच रहे हो और हल्का सा फ़ोन हिल जाता है, लेकिन फ़ोटो आजकल आप नोटिस करोगे कि अच्छी आती है, फिर भी इतना मतलब उसमें ब्लरी नहीं होता क्योंकि उसमें OIS होता है। और दूसरी चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जब आप फ़ोटो खींचते हो तो ऑटो फोकस होता है। ठीक है, तो ऑटो फोकस बेसिकली आपका क्लोज लूप ऑटो फोकस होता है, आपने देखा होगा AF(2) करके लिखा होता है, तो वो क्लोज लूप ऑटो फोकस होता है। ये दो फीचर्स जो हैं बेसिकली, तो ये हार्डवेयर फीचर है, मतलब आपके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिससे ये फीचर बनता है। लेकिन क्या होता है ना, जब आपका मोबाइल जो बेसिकली आपकी बाइक जब चलती है तो आपके इंजन से बहुत वाइब्रेशंस आती हैं, वो आपको भी फील होता होगा, आपके हैंडल्स में, आपके ब्रेक लीवर में, आपको जहाँ से मतलब बेसिकली आप गियर शिफ्ट करते हो, या आप नॉर्मली बैठ के देखो अगर आपकी बाइक में वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हम तो सह लेते हैं, लेकिन या हम ग्रिप लगा लेते हैं या शूज़ पहने होते हैं तो कहीं ना कहीं हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो मोबाइल होता है ना, वो अगर एक मोबाइल फ़ोन होल्डर पे लगा हुआ है जो बेसिकली एक लो क्वालिटी है और उसमें बेसिकली वाइब्रेशन एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब अगर वो वाइब्रेशन को रोकता नहीं है तो वो सीधा जाती है आपके कैमरे तक, मतलब मोबाइल के कैमरे तक, और आपका हो जाता है कैमरा ख़राब। अब क्या होता है, कई लोगों को पता चल चुका होगा कि इसका रीज़न, कईयों को आज भी लगता होगा यार कि मेरे फ़ोन का कैमरा भी ख़राब हो गया, और हम लोग देते हैं गाली फ़ोन कंपनीज को, लेकिन इसमें उनकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उन्होंने तो आपके अच्छे के लिए कुछ फीचर डाले थे, लेकिन क्योंकि आपने मोबाइल को बाइक पे लगाया उससे वो ख़राब हो गए। अब उसको बचाने के लिए क्या है, अच्छी क्वालिटी के ना मोबाइल फ़ोन होल्डर्स आते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि महंगे से महंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत लोग कम का अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में बहुत सस्ती सस्ती बाइकें चलाते हैं, क्योंकि उनका वो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मतलब डेली में उनको उससे कुछ ना कुछ कमाना होता है, उनकी इनकम का सोर्स है वो। तो वो लोग अब मैं बोलूँ 5,000 10,000 के भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो मेरे भाई जो बाइक राइडर्स हैं टूरिंग करते हैं वो लोगों के पास है, क्योंकि उनकी लाखों की बाइक्स हैं, वो लोग अपने लाखों रुपये बचा सकते हैं क्योंकि उनके पास फ़ोन भी हाई एंड हो सकते हैं। एप्पल ने तो इवन इसका न्यूज़ में डाल दिया था, मतलब उन्होंने अपने, अगर आप एप्पल पर सर्च करोगे या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हो, कि एप्पल ने तो क्लियर बोल रखा है कि इस तरह से जो ख़राब होता है उसका रीज़न आप हो, मतलब हो सकता है आपकी वारंटी में प्रॉब्लम हो सके। तो जो जो एक्सपेंसिव बाइक चलाते हैं, एक्सपेंसिव फ़ोन रखते हैं, उनके लिए तो और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो गाइस अगर आपके फ़ोन अभी भी आप मोबाइल को लगा रहे हो अपने बाइक में मोबाइल फ़ोन होल्डर में, तो अभी से अभी बंद कर दो। मतलब इसका मतलब नहीं है कि सारे ही मोबाइल फ़ोन होल्डर ख़राब है, ऐसा नहीं है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या करा है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं, आप वहाँ से लो या ना लो आप एक बार देख लेना, कि आपको पता रहे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको लगाने चाहिए, बेसिकली किस तरह का मोबाइल फ़ोन होल्डर आपको लगाना चाहिए।
ठीक है। और उसके अलावा आप अपने मोबाइल का जो मॉडल है ना वो कमेंट में लिख देना, ताकि मैं आपको हाथों हाथ रिप्लाई कर दूंगा कि कल को हो सकता है आपके फ़ोन के साथ वो इश्यू ना भी हो। तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना, तो मैं उस पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा कि आपके फ़ोन के साथ वो दिक्कत हो भी सकती है कि नहीं, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में यही मेरा पर्पज़ था कि मैं आपके साथ ये प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन शेयर कर सकूं, क्योंकि यार हज़ारों लाखों रुपए के हमारे मोबाइल्स होते हैं और उसके कैमरास बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कई बार आपने फ़ोन सेकेंड हैंड भी लिया हो सकता है, लेकिन आपको पता है सर कैमरा बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी हुई है, उन्हें भी नहीं पता था ये चीज़ें, लेकिन मैं बचाना चाहता हूँ आपके पैसे। सो ये वीडियो का पर्पज़ था एक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन सबके साथ शेयर करने के लिए। सो अगर आप काम करते हो ऐसा कोई जिसमें आप बाइक राइड करते हो और आप जानते हो आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार भी सेम काम करता है, तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि सबके पैसे बचने चाहिए ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अपना अपना सोचें, हमें दुनिया का भी सोचना चाहिए। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और वीडियो आती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज्ञान जो मुझे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। खत्म, बाय बाय।